प्यारे लोग हैं यार इनकी भरपूर तालियां इनका जोश इनकी मोहब्बत इसी की वजह से तो हमारा शो चलता है एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में देखने वालों पाकिस्तान से बाहर देखने वालों दोस्तों बुजुर्गों खतिनों हजरात लेडीज़ जेंटम बॉयज़ एंड गर्ल्स उम्मीद करता हूं आप खुश होंगे अगर आपको लग रहा है कि दिन ठीक नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं आप सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा ये ग्यारह बजे का वक्त जो आप मेरे पास आ गए हो समा पे आ गए हो ग्यारह से बारह हम एक दूसरे के साथ हैं और आज का जो शो बेला जी होने वाला है ना इस शो की एनर्जी अगर आपको नॉर्मली लगता है ना हमारे शो की एनर्जी अच्छी होती है तो आज बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी आई थिंक फाइव एक्स टेन एक्स फॉर श्योर क्योंकि आज के जो मेरे मेहमान हैं एक बेहतरीन एक्टर हैं एक मॉडल हैं थिएटर से इन्होंने अपने करियर का स्टार्ट किया कमर्शियल्स किए होस्टिंग की और एक्टिंग तो ऐसे की कि आप सबके दिलों में जगह बना ली हार्ट थ्रॉप बन गए इनकी एनर्जी मुझसे भी ज्यादा है मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे कजन की तरह मैंने बहुत कुछ इनसे सीखा है मैं इनको कब से जानता हूं आपको क्या बताऊं ये मुझे तब से जानते हैं जब आप लोग भी मुझे नहीं जानते थे इसके बारे में बात होगी सीखेंगे एंटरटेन होंगे एंड वॉट नॉट अरे अब मैं वेट नहीं कर सकता तो बुलाना चाहूंगा आपकी भरपूर तालियों में मोहब्बत के साथ दबाने मेरे दिल के करीब मेरी जान जैन अफजार थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवान जन भाई ये प्यार ये मोहब्बत ये ये लोग जब इतना प्यार करते हैं कैसा फील होता है आप बताएं आपको कैसा फील हो रहा है <laughs> आ, क्या बात है तो इससे भी ज्यादा अच्छा फील होता है मैं। मैंने आपके आने से पहले इनको बताया कि जैन भाई को मैं तब से और जैन भाई मुझे तब से जानते हैं जब दुनिया हमें नहीं जानती थी exactly. मतलब मैं आई थिंक इतना सा ये ये yes, हाँ। ये ये सच है, ये सच से से है मैं सच मैं है एक्चुअली सच है हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं वी वेंट टू द सेम स्कूल ये मेरा जूनियर होता था और एक दूसरे के घरों में हमारा बहुत वक्त गुजरा है और ये जो आप देख रहे हैं स्टेज पे आज जो जुगलबंदी होगी आप लोगों को बुलाया जाएगा मजा आएगा तो ये ट्रेनिंग तब से चल रही थी ये मेरी ट्रेनिंग तब से शुरू होगी नहीं था कि ये समा पे आके निकले समा पे आके हमारा मिलाप होगा <प्याँगा> ये आज हम समा पे एक अच्छा सा समा बांधेंगे और हमारी जितनी बचपन की मेमोरीज हैं उनको हम रीलिव करेंगे तो जैन भाई के साथ मैं आपको एक दफा फिर से वेलकम कहूंगा और कहूंगा तशरीफ रखें हम शो को करते हैं शुरू एक दफा फिर से तालियां जैन भाई आज मुझे वैसे ही ना मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ अच्छा तो, मैं भी बहुत ज़्यादा नोस्ट्रेलिया हो गया हूँ अभी हमारी आते हुए भी जो बात हो रही थी तो नोस्ट्रेलिया में मैं भी चला गया हूँ मैं यही सोच रहा था कि आज से 10, 12, 15 साल पहले जब आप घर पे आते आ, थे मुलाकात होनी पप्पा मैं आप बैठे हैं तब मैं आई कुड नेवर इमेजिनड कि इस तरह मैं शो आपके साथ कर रहा हूँ मुझे मुझे तो ये डर है मैं इमोशनल हो जाऊँ क्योंकि अभी हम आते हुए ये बात कर रहे थे कि हम दोनों एक दूसरे से पूछ रहे थे कि आज से दस या बारह साल पहले ना तूने सोचा था ये ऐसा ना मैंने सोचा था कि मैं एक्टिंग करूंगा थिएटर करूँगा पहले सीखूंगा ना तूने सोचा था कि तू एक्टिंग करेगा यू विल ट्रैवल द वर्ल्ड यू विल होस्ट अ वंडरफुल शो तो इट्स एनीथिंग इज पॉसिबल हां और अगर आप मेहनत करें अगर आप मेहनत करें अगर आप जी तोड़ मेहनत करें तो और तेरी मेहनत मैंने देखी है तो जी तोड़ मेहनत करें तो एनीथिंग इज पॉसिबल एंड आई हैव सीन यू किस तरह <laughs> मतलब मैं उसी से पहला सवाल लेकर आगे चलना चाहूंगा कि बीकेन हाउस से आपने अपना ओ yeah, लेवल्स किया yeah. आपको इनके बारे में वो वो चीजें पता चलेंगी जो शायद आपको ना पता हो क्योंकि आपने इनके कैरेक्टर्स देखे हैं और यू हैव लव्ड हिम बट व्हेन यू फाइंड आउट मोर अबाउट हु ही इज एज अ पर्सन यू विल लव हिम इवन मोर आपने बीकेन हाउस से अपना ओ लेवल्स किया एलजीएस जेटी Uh, लाहौर का जो एक स्कूल है उधर से आपने अपना ए लेवल्स किया फिर बी एन यू से आपने अपना अंडर ग्रेड किया उसके बाद ये एक्टिंग में मुझे तो पता है आज लेकिन लोगों को बताना है ये एक्टिंग का सफ़र किस तरह शुरू हुआ यार ओवर ए लेवल्स में मैं और मोमिन और मोमिन का बड़ा भाई हम लोग इकट्ठे प्लेस किया करते थे एंड और, और क्लास में भी पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता था सब... तो आ, वहीं से ये शौक पड़ा कि एक्टिंग करनी है परफॉर्मिंग आर्ट्स नॉट स्पेसिफिकली एक्टिंग बट परफार्मिंग आर्ट्स किसी भी किस्म की सो so, uh, पहले थिएटर किया स्कूल का फिर कॉलेज का इसी तरह चलते रहे फिर देन आई फाइनली गॉड अ कॉल आउट ऑफ नोवेयर कि यार आप आके ऑडिशन दे दीजिए तो वो एक कमर्शियल का ऑडिशन था सो वहाँ पर हम चले गए और सिलेक्ट हो गए तो हमने जाके पूछा कि भाई आपने हमें क्यों बुलाया उन्होंने कहा वो आपने वो स्कूल के बाद वो फलाना प्ले किया था वो देखा हमने तो उसमें आ, आपका काम हमें समझ में आया तो इसलिए हमने आपको यहाँ बुलाया जहाँ से आपने ए लेवल्स किया एल जी एस जौहर टाउन वहां पे आज तक आपको बहुत याद किया जाता है वहां पे आज तक आपको भी बहुत याद किया तो जाता मुझे है मुझे तो चले उस पे तो बात होगी सुना आप बड़े शरारती बच्चे थे और जमाने में स्ट्रिकनेस बहुत ज्यादा थी अब तो बहुत कम हो गई है कि बच्चों को डांटना नहीं है मारना नहीं है तो हम मैं क्लास रूम लॉक करके तो क्लास में पढ़ाना शुरू कर देता था और उसी स्पेसिफिक टीचर के स्टाइल में जिसकी अगली क्लास होनी है हमारे एक उस्ताद होते थे अकाउंटिंग पढ़ाते थे सर मुझे माफ कर दीजिएगा तो उनकी आवाज बीच में बंद हो जाती थी समझ नहीं आ रही सर एंड वॉज हिस्टाइल तो हम क्लासरूम लॉक कर दिया करते थे और मैं पढ़ाता था और ये सारे ऑडियंस बैठ के देखते थे कि अच्छा आज आज फलाने सर आए सो इट इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम दैट और फिर हम पकड़े भी गए सो <laughs> so, फिर हम

Uh, टीचर के साथ जेन्यनली कभी बदतमीजी नहीं की और ये जिन टीचर्स की मैं बात बता रहा हूं ये आज भी हमारे दोस्त हैं आज भी हमें अपने घर पे इनवाइट करते हैं हालांकि हम, हम उनसे बहुत छोटे हैं बट दे इन्वाइटर्स टू देर होम्स और उनके साथ दोस्ती एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है और वो भी उस मेमरी को याद करते हैं और हंसते हैं कि यार ये बच्चे जो शरारती होते थे आज मेहनत शर, कर शरारती थे, थे लेकिन डिसरिस्पेक्टफुल नहीं थे वेरी इंपॉर्टेंट नहींसन बहुत जरूरी है मुझे इससे आगे बताएं आपकी जो फैमिली आपकी फैमिली में सी एस एस ऑफिस हैं डॉक्टर्स है उसकी एक लाइन है कि माँ बाप आपको ना खुश नहीं देखना चाहते लेकिन वो आपको नाकामयाब ना भी नहीं देखना चाहते तो माँ बाप का कंसर्न सिर्फ यही होता है कि मेरा बच्चा जो भी कर रहा है वो खुश तो हो लेकिन कामयाब भी हो जाए उसमें तो बस उसके लिए मेहनत एक तो बहुत जरूरी है और सेकेंडली uh, है कि यार मुश्किल तो था मुश्किल होता है डिफिकल्ट बट बिकॉज वो एजुकेटेड थे एक हॉर मूवी भी किया जैन भाई ने हाँ और अपनी ही हॉर मूवी देखने सिनेमा में गए और खुद डर गए मतलब क्या शूटिंग के वक्त भी चीखे निकल जाती थी यार मुझे बहुत डर लगता है मुझसे दिन की रोशनी में भी आप कोई ऐसी बात करेंगे तो मैं आपको रोक दूंगा मुझे जेन्युनली इतना डर लगता है और अब जब कराची में मैं अकेला रहता हूं वाइफ एंड किड दे, दे ट्रैवल अगर तो मेरी जान निकली होती है सच बता रहा हूं मुझे इतना डर लगता है और <laughs> मुझसे नहीं सोया जाता फिर क्या करते हैं गनी भाई कितना ऐसा ही होता है कुछ

एक एक्टर की आवाज में उसके एक्सप्रेशन में हमें बोल के दिखाएंगे और गैस आप लोगों ने करना है कौन है डन डन yes. yes. शहजादे रेडी ने yes. आओ फिर पहला डायलॉग है यार कहानियां तो मेरे, मेरे पता नहीं थे जहाज के दोनों इंजन फेल हो चुके हैं जहाज का कैप्टन होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि ये पैराशूट लेकर मैं नीचे जाऊं <laughs> और मदद के लिए बुलाऊ कैम टू में अब किस क्या करूं ये किस किसी एक्टर की आवाज में आपने करके दिखाना है और मैं और ये मिलकर गेस्ट करेंगे कौन है अच्छा आपने पढ़ना पढ़ ले वैसे या कोई आप इसको अपने वर्ड्स में भी कर सकते हैं कि जहाज के दोनों इंजन फेल हो चुके हैं कैप्टन होने के नाते <laughs> मैं जहाज का कप्तान बात कर रहा हूं जहाज के दोनों इंजन फेल हो चुके हैं पैराशूट लेकर कूद जाए <laughs> बता ये खून हिंदू का है या मुसलमान का बता नाना पाटी <laughs> यार, यार ये।, ये मैंने बोला इस शो के थ्रू जो आपने जो भाई की एक्टिंग स्किल्स देखे थे आज आपको इनके उन उन स्किल्स के बारे में भी पता चलेगा जिनका आपको नहीं पता होना चाहिए और ये सिर्फ इसकी साजिश ये साजिश आज मैं पूरी करके रहूंगा मैं कसम खाता हूं मूलिया मैंने नहीं चुराई और अगर मूली और मूलियों का मैं क्या करूं चुराना होता तो मैं खीरे चुराता स्किन तो फ्रेश रहती खड़ा हो सकता हूँ हाँ अरे ये शो भी आपका सेट भी आपके हम भी आपके हैं मैं कसम कहता हूं इंस्पेक्टर कि ये बोलिया मेरे नाइचर चुराई शर्ट बताए जी सुनील सुनील भाई ने आजकल बड़ी कमाल बॉडी बना ली यस 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 वी 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 बिग फैंस नो डिसरिस्पेक्ट वी बिग फैंस ऑफ नहीं them. नहीं आप सुनील भाई ये हो गया लव यू यार अडिकडी गल है आए जी अम्मा जान कहती थी कोई धंधा छोटा और कोई धंधा बड़ा नहीं होता इसलिए मैंने अब सफेद जीनी का दादा शुरू कर दिया। ओके। या सफेद नहीं बोलना। ओके। okay. ये तो फिर एक ही है आप लोगों को बताइए ये किसने किया किसने बोला बोला किसने? लेकिन उनके अंदाज में हम कह देते हैं थोड़ा सा। अमी अमी जान कहाँ करती थी? कोई कोई भी बेचना छोटा इधर आओ यहाँ मेरे पास कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता इसलिए मैंने सफेद चीनी का धंधा शुरू कर दिया किलर <laughs> किलर बताओ जी मजा आया मजा आया एक और एक और चलो कोई एक और जैन भाई अब बताए डायलॉग आप डायलॉग खुद बना ले कोई वैसे हमारे पास भी है नाज़रीन वजीर आजम ने वादा किया कि पाकिस्तान बहुत जल्द दुबई को टक्कर देगा फर्क सिर्फ इतना है कि वो जमीन से तेल निकालते हैं और हम आवाम का तेल निकालेंगे टैलेंट। ओके। मोहन तू क्या करवा रहा है मुझसे यार क्या डायलॉग वजी आजम ने वादा किया right. कि दुबई को, दुब... <coughs> को टक्कर देगा फर्क सिर्फ इतना है वो जमीन से तेल निकालते हम आवाम का तेल निकालेंगे

इनके बिट पीछे बात हो रही थी यार वो मुंडा जैन बड़ी क्रिकेट खेलता है।, <laughs> है तो बीच में क्रिकेटर बनने का भी इरादा था जैन भाई यार yeah, हाँ क्रिकेटर बनने का डेफिनेटली इरादा था बट अगेन क्योंकि फैमिली में एकेडमिक साइड पे काफी लोग थे hmm. और अब्बा भी इस मामले hmm. में स्ट्रिक्ट हैं तो क्रिकेट जो है वो दैट वॉज अ बिट टू मच उन्होंने कहा क्रिकेट नहीं मतलब एक्टिंग कर लो इसके बारे में पढ़ लो लेकिन क्रिकेट इज

तो लाला से बड़ा कोई और स्टार नहीं शाहिद अफरीदी के लिए एक बार अफरीदी। आजकल के दौर में आ, एक तो विराट कोहली हाँ आ, जहां से वो आया है जो उसकी जर्नी है जो उसके पहले पांच साल थे क्रिकेट में जिसमें वो परफॉर्म नहीं कर रहा था वहां से जो उसने ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को फिजिकली भी वो जो उसके छह सात डब्बे आप देखते हैं वो हमेशा से नहीं थे वो सिक्स पैक नहीं थे हमेशा से वो क्रिकेट में आने के बाद उसने मेहनत करके वहां तक पहुंचा जहाँ वो नंबर वन बन गया दुनिया में और फिर पुराने में तो बहुत सारे लेजेंड्स हैं जिनको मैं तो अगर किसी की बायोपिक करनी हो तो किसकी करेंगे अगर एक एक रोल किसी क्रिकेटर की जिंदगी पे मूवी बन रही हो और उसका रोल आपको मिले शायद अफरीदी की बायोपिक तो मैंने अफरीदी की बायोपिक करेंगे यार कोई शॉर्ट फिल्म भी बने ना लाला का कैरेक्टर मैं लाजमी करूंगा दो हजार आप में से काफी लोग पैदा हो गए थे आठ में हो गए थे ठीक है

तो वो जो चेक मिला था वो एक ऐसे था कि यार अच्छा वर्क तो वो, वो वो okay, है बहुत आ, but, uh, अच्छा, पैसा भी मिलता है और वक्त पे मिल ही जाता है uh, कभी कभार नहीं भी मिलता वक्त पे यू नो इट बट वो बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट थी एटलीस्ट मेरे लिए तो वो ला के फिर मैंने अम्मी को दिया अम्मी को दे दिया पहली कमाई अम्मी को अरे बहुत प्यारी बात जिंदा भाग मूवी में भी आप थे यार जिसमें नसीरुद्दीन शाह साहब ने भी एक रोल प्ले किया था और वो आए और उन्होंने वर्कशॉप्स भी करवाई कैसा आपका एक्सपीरियंस था यार वो तो मोमेंट ऐसा एक्सपीरियंस था वो तो अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस था एक लेजेंड इतना बड़ा फिल्म का लेजेंड जो कि पूरी दुनिया में है हॉलीवुड में उन्होंने काम किया है हर जगह काम किया है उनसे वर्कशॉप लेना एक्टिंग के हवाले से और सेकेंडली वो फिल्म में हार्डली छोटा सा कैरेक्टर था क्योंकि उस वक्त मैं पढ़ रहा था और उस वक्त भी मुझे नहीं पता था मैं प्रोफेशनली एक्टिंग ही करूंगा बट वो एक ऐसा आई ओपनर था क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी टिप्स बताई ऐसी चीजें बताई जिनको फॉलो करते करते फिर कहीं ना कहीं पहुंच गए हैं फिर आज के मोमेंट तो नहीं माशाल्लाह लोग लव करते हैं आपके कैरेक्टर से और आपकी ये मैं बात बोलता चलूं कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई प्रॉपर किसी को एज एन एक्टर मेथड एक्टर कोई क्रिटिकली अक्लेम्ड एक्टर्स में जिनका नाम आता है उनमें जैन भाई टॉप ऑफ द लिस्ट में है जैन भाई ए, मुझे सिर्फ एक सेकंड दे दें ब्रेक लेना बड़ा जरूरी होता है चैनल्स चलते इस तरह है, इस तरह जाकर हम इस तरह आएंगे मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लगता जब ये लोग आपसे दूर जाए लेकिन आपने कहीं नहीं जाना छोटी सी ब्रेक लेंगे बी राइट बैक की कर दी गुड आके वेलकम बैक आ जाए जल्दी से हथकरी को लेकर चलते हैं आगे और जैन भाई से पूछते हैं कुछ सवाल हम चलते हैं ये लोग जो जो आपको इतना कर रहे हैं आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं ये आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं क्या, हाल है? ठीक। आ, क्या नाम है शिराज शे, टी तो देख उसकी द बॉयज ये क्या करना है इंजीनियर ही बनना सर

ਆਪਣਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਗਾ ਜੀ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਉਹਦੇ 6 ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਾਲੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ 6 ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਏ ਆਓ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਐ ਐ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਹਾਏ 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 ਜੀ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਆਪਸੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ इंडस्ट्री में ऐसा कौन है जिसे प्रोजेक्ट ढूंढने से ज्यादा अपनी एक्टिंग पर मेहनत करनी चाहिए यार ऐसे बहुत सारे लोग हैं मैं भी हूँ <laughs> तो एक्टिंग पे हर किसी को मेहनत करनी चाहिए सीखने का अमल कभी कार खत्म जाके आया ना, 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 ना कहीं मैं सारे ऐसी या कार जाके आया ना कहीं आ दे कार मैं बनावा नहीं एंज नहीं होना वाह आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन वालेकुम क्या नाम है मेरा नाम हसनैन है हसनैन भाई क्या क्या करते हैं? मैं है सेकंड में हूं। इसके बाद क्या करना? बनने कर अभी तक प्यार हुआ हुआ? नहीं। नहीं झूठ हुआ बोल रहा है झूठ बोल रहा है ये। <laughs> दो दोस्त दो उसके साथ जो बैठा हुआ है सच्चे हो तो बता दो झूठ ना बोलो मुझको हाँ मेरा जूनियर है ये

मेरी आफ्टर पार्टी पता क्या है शूट के बाद मैं मैच मैच खेलने जाता हूँ सीरियसली और मुझे वहां इतना मजा आता है कि कोई आफ्टर पार्टी हो कोई भी चीज हो मैं उस पर अपने अपनी क्रिकेट को या स्पोर्ट्स को मैं उस पर तरजीह अच्छा, नहीं, नहीं ये बात मैं भी बता दू जैन भाई वाकई जी टीस पे या किसी आफ्टर पार्टी पे नहीं जाते इसको पता है हाँ। जैन भाई मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी वाइफ को ऑन स्क्रीन किस एक्ट्रेस के साथ आपकी जोड़ी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है यार एक तो वो ड्रामे देखती नहीं है बहुत ज़्यादा वो लेकिन वो क्रिटिक बहुत करती है मेरे काम पे पर अभी रिसेंटली एक मेरा ड्रामा चल रहा है एहसन खान के साथ तो मेरे मोस्टली यह सारी सीन्स एहसन खान के साथ ही हैं जी तो गलती से अब वो लगा हुआ था और मैं बैठ गया मैंने कहा मर गए मर गए मर गए मेरा सीन ना जाए मेरा सीन ना जाए मेरा और साथ ही मेरा सीन आ गया और एहसन भाई के साथ ही मेरा सीन आ गया अब मैं देख रहा हूँ बेगम यहाँ बैठी हुई है ऐसे मैं देख रहा हूँ फ़ोन पे लगा लगाऊँ फोन पे लगा लगाऊँ जैसे ही मेरा सीन ख़त्म हुआ अब मुझे पता था कोई कॉमेंट आना है ज़रूर उसने कहा हाँ ये जो तुम जाके बैठे हो ऐसे ऐसे नहीं बैठना चाहिए था मैंने कहा मर गए हूं तो वो फिर <laughs> एक सिलसिला शुरू हुआ अगेन उससे भी मैं सीखता हूँ क्योंकि उसने भी मीडिया साइंसिस पढ़ी हुई है जी सर और उसने भी थिएटर किया हुआ है सो शी नो शी इज़ अ राइटर आल्सो तो उसको पता है ये बारीकियों का तो मैं फिर उसकी जो राय है वो उस वो लेता हूँ उससे और मैं सीखता हूँ फिर उसके बाद छह दिन खड़े रहे हैं फिर हाँ मैं ना। दो दिन तो रोंदा रहे असलाम लेकुं। असलाम लेकुं। हिट नहीं होता तो फिर ऐसा लगता है कि यार शिट, हम कुछ और भी कर सकते थे बट क्रिकेट का मुझे वो होता है कि आजकल कल जहाँ पे क्रिकेट पहुंच गई है ना वो मेरे दिल में रहता है कि यार

मेरा नाम जिशान अली हो गया जैन भाई मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने हानिया आमिर जैन शबीर फातमा फंदी और अलीजे शाह के साथ काम किया है इनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है खूबसूरत कौन है यार वो कैरेक्टर पे डिपेंड सवाल पूछा वैसे नो नो सीरियसली वो कैरेक्टर पे डिपेंड करता ने ने है कुमाओ मत परमा जेन्युइनली क्योंकि भाई हम तो सेट पे ही देखते हैं ना मेकअप वेकअप करके तैयार होके सो वो कैरेक्टर पे डिपेंड करता है अगर कैरेक्टर में इनको खूबसूरत लगना है तो ये चारों आपने नाम लिए हैं मैं दस नाम और भी जोड़ सकता हूँ वो सब खूबसूरत और बहुत अच्छी लग सकती हैं और वो अच्छे तरीके से निभा सकती है उस कैरेक्टर को और ये चारों जो आपने नाम लिए हैं ये चारों बेहतरीन एक्ट्रेसेज हैं और अगर इनको कोई आप ऐसा कैरेक्टर भी दें जिनमें हो सकता है कि मेकअप ना करना हो या थोड़ा सा जरा लेसर लुकिंग लगना हो तो ये शायद उसको भी पुल ऑफ कर जाए अच्छी तरह अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मेरा नाम अरूज है, है मेरा आपसे सवाल है कि आपकी पूरी इंडस्ट्री के अंदर सबसे फेवरेट एक्टर कौन है दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन यार मैं अभी रिसेंटली बता देता हूँ कि मैंने अच्छा मेरी दोस्ती वो शायद बहुत लोगों को पता हो या नहीं पता हो समी खान से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है ही इज़ लाइक माई एल्डर ब्रदर और हारून शाहिद ही इज़ ऑल्सो लाइक माई एल्डर ब्रदर सो दोस्ती मेरी सबसे अच्छी इनसे एक्टिंग के हवाले से आई थिंक uh, सबा कमर इसके अलावा मेरा एक शेर है जो आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूँगी ज़रूरत उम्र के हमरा बढ़ती है यहाँ मुफलिसी ने मरने की इजाज़त दी ज़रूरत उम्र के हमरा बढ़ती है यहाँ मुफलिसी ने मरने की इजाज़त दी अकेले फर्द से जब घर ना चल सका तो उसने बेटी को पढ़ने की इजाज़त दी वाह वाह एक्सेलेंट

प्ले द सॉन्ग आ भाई अगले गाने से पहले this, इसकी तारीफ दिस बॉय रियली गुड यार एक्चुअली इसके लिए तालियां। अब जो तो हमारा अगला गाना है उसके लिए कौन हिस्सा अब इसको कौन बीट करेगा भाई आजा हीरो लगाएगा ये तो इसको मतला स्प्रिंग लगी हुई है गुड जॉब ये आधा टाइम हवा में था चल के दिखा चल जरा कैसे चलता है बात तो सुन अब वो स्टेप मार गाने के बाद तो क्या कर रहा था एकदम चल तालियां यार आई थिंक जाके कर देना चाहिए मोमेंट एंजॉय कर लेना चाहिए एब्सोल्युटली और ये इन दोनों को सारी जिंदगी याद रहेगा हां स्पेशली वाले को हाँ ये तो जब इसको जहाज में या अगर अंडर पास में ये 120 से जा रहा हुआ या जहाज में लैंडिंग तो जब कुद -कुद ही हुई इसको ये मोमेंट याद आएगा ये याद आ रहा है इसको, इसको याद आएगा तुम खुश हो बाकी बात है आपने तो कमाल कर दिया ये तो लग रहा था धुला है जिसकी अभी अभी रुख हुई है ऐसे नाच रहा है तो। मैं मेहंदी से जा रहा आया सामने देख देख दफा लोगों को पता चल जाए पूरा धुल्हा लग रहा है माशाल्लाह ये कहाँ जा कर रहा है मेहंदी

तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिसके साथ भी रहूंगा उसके साथ अपनी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी रख के चलूंगा <laughs> पढ़ाना नहीं है <laughs> तुमने लड़की के वालिद साहब को टीचिंग करनी है नहीं लेकिन देखिए ना लाइफ के अंदर केमिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम दो मियाँ बीवी चलेंगे तो हम आपस में एक दूसरे के साथ अगर मेल जोल करके चलेंगे हमारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो हमारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी ना सो इसलिए और मेरा भी नाम बेसिकली जैन जैनी है इसलिए इसलिए गुड जॉब मैन गुड कॉन्फिडेंस यस थैंक यू सो मच गुड कॉन्फिडेंस वेल डन अब मेरी बात सुनो तुम्हारी शादी हो गई है भाभी नाराज हो गए माइके चली गई है अब उनको वापस बुलाना है माफी मांगनी पंद्रह सेकंड में पंद्रह सेकंड है अच्छा ला हूं मिस्ट्री केमिस्ट्री ला ला वो ने जड़ी अच्छा केमिस्ट्री नहीं चली ना वो हाल चलो मैं 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 वो बीवी हूं चलो अच्छा मेरी बात सुनो ना क्यों सुनो तुम्हारी बात में अच्छा क्यों एक, एक मिनट सुन तो लो मेरी बात सुन लो अच्छा देखो मेरी बात सुनो जब तुम्हें अम्मा कुछ कहे घर में तो तुम उनकी पैसे बात चाहिए कर दिया करो पैसे चाहिए पैसे तुम्हें मिल जाएंगे जितने कहोगी मेरी जान उतने पैसे दे दूंगा तुम्हें <laughs> तुम्हारे पास तुम्हारे पास साबन लेने के पैसे नहीं मुझे पैसे दो मैं क्या कहेगा नहीं हूं मैं तो ना ना कौनमेट हिसाब बनाना <laughs> लेकिन यार प्रोफेसर साहब कमाल Thank है so आपको देख के पता चल रहा है कि इनका फ्यूचर भी है ना बर्बाद <laughs> 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 है राइट है ब्राइट yeah. <laughs> है सर थैंक यू सर राइट प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया जल्द से जल्द जल टीचिंग छोड़ दे <laughs> मेरा मतलब पढ़ाते रहे बैठे सर थैंक यू थैंक यू ओके थैंक यू क्या बात है लगाए ना हां आज मेरी ऑडियंस ने बड़ा एंजॉय उम्मीद करता हूँ आपके शो एंजॉय कर रहे होंगे और आपने लिपसिंग बैटल भी बहुत एंजॉय किया होगा लेकिन क्या करें एक छोटी सी ब्रेक तो हमें लेनी होगी इस तरह जाकर इस तरह आएंगे डोंट गो एनीवेयर कीप वाचिंग हाथ कर दी विद मॉम एंड साके वेलकम बैक लेडीज जेंटलमैन उम्मीद करता हूं आप हद कर दी का सफर बहुत इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि आज तो गेस्ट ने तो गेम उठा दिया आज ऑडियंस भी हमारी कितनी कमाल है तो इसी के साथ शो को आगे लेकर चलते हैं हैं और चलते हमारे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है किस टॉपिक पे आप खुद प्रोडक्शन करना चाहेंगे स्पोर्ट्स पे इंडी और वो लाला की बायोपिक आप खुद बनाएंगे अगर एक ओनली बॉयज ट्रिप पे जाना हो तो किन लोगों को साथ लेकर जाएंगे समी खान एंड हारून शाहिद तू चलेगा मैं आए। आए। ना कर सकता शाह और अगर तीन फीमेल एक्टर्स को लेके जाना हो उनको भेज देंगे हम अपना निकल जाएंगे <laughs> ये बहुत बेहतर किया है आज तक पाकिस्तान का कोई ऐसा हिट ड्रामा जो आपने नहीं देखा वो जो बहुत कोई हिट ड्रामा है जिसका हाँ वो मैंने पूरा नहीं देखा वो मेरे पास तुम हो। मेरे पास पास आपने पूरा, नहीं देखा ठीक है आज देख लियेगा इन एक्ट्रेस को एक्टिंग एबिलिटीज के हिसाब से रैंक करें माहिरा सबा कमर मैद आयजा खान सबा कमर हाँ आयजा खान मायरा uh, परफेक्ट अगर आपके अम्मा अब्बा इंडस्ट्री से हैं तो टैलेंट की कोई इतनी खास जरूरत नहीं होती ट्रू और फॉल फिफ्टी 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 कोर्स बिल्कुल ठीक है आपको ब्रेक मिल जाएगा पहले चार पांच प्रोजेक्ट से वॉट एवर टू सरवाइव यू हैव टू है बिड ऑफ टैलेंट किस डायरेक्टर के साथ काम करने की ख्वाहिश है सरप्राइजिंगली मैंने उनके साथ एक्टिंग की है

अभी ये स्क्रीन पे भी आप लोग देख सकेंगे आपने एक्टिंग में आने के लिए बहुत वेट लूज किया और ये आसान नहीं होता क्योंकि हम लोग तो वैसे बड़े फूडी फूडी हैं तो ये वो सफर कैसा था जैन भाई पहले जरा बहुत हैं आते थे अभी भी हम फूडी हैं तो फिर इस तरह अगेन उस वक्त भी मेरा लाइफ जो था वो एक्टिव ही था स्पोर्ट्स तुम्हें पता है हमेशा से मैं खेलता हुआ तो तो वो देखे हो तो वो वाला भाई तो हाँ तो ये जर्नी थी जो कितना टाइम लगा थी? था ये और कितने यार मुझे इट्स इंस्पायरिंग इट्स इंस्पायरिंग फॉर ऑल दोस पीपल जो ये करना चाहते हैं तो आई थिंक कोई आठ महीने तो लगे थे आठ महीने हाँ हाँ, हाँ। क्योंकि लाइफ हेल्दी लाइफस्टाइल या एक, सॉरी एक्टिव लाइफस्टाइल स्टाइल के साथ साथ जो फूड कंजम्पन है वो एक बहुत बड़ा हिस्सा रोल प्ले करता है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और वो उस वक्त नहीं पता था तो कभी भी कुछ भी खा लेना और कितनी मर्जी क्वांटिटी में खा लेना उसके बाद भले आप खेल लें जिम चले जाएं तो वो इट डजेंट हेल्प फिर बाद में वो एहसास हुआ आपको सबसे फनी डीएम क्या आया आज तक uh, सबसे इंटरेस्टिंग uh, के तो आपने भी कहा यार कमाल है <laughs> आ, हाँ बहुत सारे आते हैं वो उसमें कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ लोग जो आपके साथ बात करना चाहते हैं ये तो अभी रिसेंटली एक लड़की का मुझे आया डी वो मैंने खोला भी नहीं सिर्फ मैंने इसे देखा तो उसमें एक्सेप्ट और रिजेक्ट की ऑप्शन आ रही थी मैं रिजेक्ट करने लगा पता नहीं क्या है तो उसका वॉइस नोट आ गया साथ ही असलम मैं ये बात कर रही हूँ मैंने ये करने कर रही मैंने कहा अच्छा दूसरा वॉइस नोट साथ ही आ गया वाईक मैंने कहा ये तो अपने आप से बात कर रही है तो मुझसे बात कर रही है खुदा की कसम मैं तुझे अभी सुनाऊंगा वो तो और वो आठ दस वॉइस नोट आ गए जिसमें वो अपने सवाल का खुद ही जवाब देके अपने आप से बात करके अच्छा आपने नहीं बात करनी तो बस ठीक है फिर मैं रखती हूं टिंग टोंग ठीक है फिर बात कर ले अगर नहीं करनी तो मैं कॉल नहीं करती मैं क्या की हो गया तो इस तरह के आते वो अपने आप से बात कर रही थी भाई शो के एंड की तरफ हम थोड़ी सी मुल्की हालात पर बात करते हैं क्या देख रहे हैं आपका करंट जो जो मुल्क हालात हैं आप कब से माशाल्लाह एक्टिव हैं आप न्यूज भी बड़ा फॉलो करते आ रहे हैं तो आपने कुछ चेंज देखा है पिछले पंद्रह सालों में आपको लगता है कि वही चल रहा है और अगले तीस साल भी यही चलता रहेगा उम्मीद है कि ये ना चले जो यही चलता आ रहा है और दुआ भी यही है और वही बात है शहजाद राय ने भी कहा है ये कि मुझे ये डर नहीं है कि ये मुल्क ऐसा चल रहा है मुझे ये डर है कि ये ऐसे ही ना चलता रहे तो ये एक दिल में वो है कि थिंग्स हैव टू चेंज आई एम सो हैप्पी

एक्टिंग यू लव जल्दी से बता दें कोई और अगर आगे आपका ड्रामा आ रहा है जिसके बारे में लोगों को अपडेटेड होना चाहिए राहे जरूर इज कमिंग वेरी सुन ऑन प्राइवेट चैनल आई के नॉट टेक द नेम ओके सो वो जरूर देखिएगा So it's a wonderful cast it's Danish Demur and me we are brothers तो, really फॉलो <laughs> तो भी भी कर लें ताकि आपको पता चलता जाए इनके और क्या क्या टैलेंट है अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग एंड अ गुड ह्यूमन लेडीजमैन के जिंदगी में हंसते खेलते रहे क्या पता कल होना हो प्यार बांट लें जिंदगी को एक बेहतर जिंदगी बना के गुजार लें दुनिया को एक बेहतर जगह बना लें मिलते हैं आपसे हद कर दी के अगले एपिसोड में तब तक के लिए हाफिज़ आई लव यू